भारत इस समय मुख्य तौर पर अमेरिका, फ्रांस और रशिया से परचेज किए गए हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है और इन देशों के साथ कई हथियारों की डील्स को लेकर आज भी नेगोशिएशंस चल रही हैं। भारत की हमेशा कोशिश रहती है कि भारत जिस भी हथियार निर्माता कंपनी को बड़ा ऑर्डर प्लेस कर रहा है वो कंपनी भारत के साथ में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करे, हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर स्थापित करे और भारत को हथियारों की लाइसेंस्ड प्रोडक्शन की परमिशन भी दे। इन सब में रशिया ने भारत का बढ़ चढ़कर साथ दिया है। फिर चाहे वो ज्वाइंट वेंचर स्थापित करके ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की प्रोडक्शन हो या फिर AK-203 असॉल्ट राइफल्स हो या टैंक से लेकर तोपों और फाइटर जेट्स की भारत में ही लाइसेंस्ड प्रोडक्शन करनी हो, रशिया भारत को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज से नहीं बल्कि कई दशकों पहले से हमें सपोर्ट करते आया है। लेकिन अब भारत स्ट्रेटेजिक कारणों से रशिया से कम हथियार खरीदना चाहता है। चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट और बॉर्डर डिस्प्यूट के चलते भारत वेस्टर्न देशों से ज्यादा हथियार खरीद रहा है, लेकिन वेस्टर्न देश फिर चाहे वो अमेरिका, फ्रांस और इजराइल क्यों ना हो, हम इनसे कितने भी बिलियन डॉलर्स के हथियार परचेज कर लें, ये देश भारत के साथ हथियारों की जॉइंट डेवलपमेंट, भारत में इनकी लाइसेंस प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए कभी नहीं मानते हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के हथियार सबसे ज्यादा महंगे तो होते ही हैं, लेकिन अमेरिका जिस भी देश को अपने हथियार बेचता है उसके साथ कई सारी शर्तें भी जोड़ देता है। कई केसेस में तो ये भी पाया गया है कि हथियारों की सेल्स के समय अमेरिका सामने वाले देश को ये तक बता देता है कि वो जो हथियार सप्लाई कर रहा है उसको कौन कौन से देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन कौन से देश के खिलाफ नहीं, और अगर फिर सामने वाला देश अमेरिका के खिलाफ जाता है तो फिर अमेरिका अपने उस हथियार के लिए फ्यूचर अपग्रेड्स और मेंटेनेंस सर्विसेज बंद कर देता है और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए तो अमेरिका कभी भी रेडी नहीं होता है। लेकिन ये बात भी सच है कि अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे वेस्टर्न देश जो भी हथियार डेवलप करते हैं वो बेस्ट इन क्लास और सबसे एडवांस्ड होते हैं और इस पर्पस से डेवलप किए जाते हैं कि वो रशियन और सोवियत समय के हथियारों को निशाना बना सकें। और ये तो हमें पता है कि चाइना भी रशियन और सोवियत ओरिजिन के हथियारों का इस्तेमाल करता है और भारत की तरह उसके भी कई सारे हथियार सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बने हैं। ऐसे में भारत को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर तो बनना था, लेकिन भारत को ऐसे हथियार भी चाहिए थे जो चाइना के ऊपर भारत बना सकें। तो अब खबर निकल कर आ रही है कि इस दिशा में फ्रांस भारत की मदद करने के लिए सामने आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर निकी एशिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता साइन हुआ है जिसके तहत एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे कि इंजन, एयर प्रोपल्शन सिस्टम, इस तरह की डिफेंस टेक्नोलॉजीज के ऊपर कोऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने पेरिस में प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मीटिंग के बाद स्टेटमेंट जारी करके इस चीज की पुष्टि की है। डिफेंस की कुछ फील्ड्स में भारत को डायरेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी जबकि बाकी कुछ फील्ड्स में फ्रांस की कंपनीज इंडिया की कंपनीज के साथ मिलकर भारत में ही ज्वाइंट रिसर्च और ज्वाइंट डेवलपमेंट का काम करेंगी। इसके साथ ही भारत ने फ्रांस से कहा है कि राफेल फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करने वाली डिसॉल्ट एविएशन भारत में आकर अपनी मेंटेनेंस, रिसर्च एंड ओवरऑल फैसिलिटी स्थापित करे। हालांकि फ्रांस ने इसके ऊपर अभी तक हामी नहीं भरी है। निकी एशिया ने अपने आर्टिकल में भारत और फ्रांस के बीच की इस कोऑपरेशन को रशिया के लिए बड़ा झटका बताया है, लेकिन हमारा मानना है कि इससे रशिया को इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा जितना इसे अमेरिका पछताएगा और चाइना घबराएगा। अमेरिका के ऊपर फर्क ये पड़ेगा कि फ्रांस भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करेगा जिसके कारण भारत और फ्रांस और करीब आ जाएंगे और जो डिफेंस डील्स पहले अमेरिका के पास जाया करती थी वो अब से पूरी तरह फ्रांस के पास जाएंगी, क्योंकि अमेरिका तो भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से रहा। चाइना को इससे दिक्कत ये होगी कि भारत की फ्लीट में वेस्टर्न ओरिजिन के हथियार अब ज्यादा संख्या में होंगे जो कि सोवियत, रशियन या चाइनीज ओरिजिन के हथियारों से कई गुना ज्यादा एडवांस्ड हैं। इसका ट्रेलर तो हमने यूक्रेन में भी ऑलरेडी देख लिया है। यूक्रेन को जो वेस्टर्न देश लगातार हथियार दे रहे हैं उसके दम के ऊपर यूक्रेन की सेना ने रशियन वेपन्स को बहुत ही बुरी तरह से नष्ट करके रशिया को ऑलमोस्ट बैकफुट के ऊपर धकेल दिया है और 72 दिनों के बाद भी रशिया न ही यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर कब्जा कर पाया है और न ही पूरे डोनबास रीजन के ऊपर। ऐसे में चाइना का घबराना तो बनता ही है, लेकिन आपको दोनों में से कौन सा देश ज्यादा पसंद है, फ्रांस या फिर रशिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।